हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द वीडियो नोटिफिकेशन ऑफ योर क्लास। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। और सबसे पहले आप लोग के, क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं, सो स्टूडेंट स्टार्ट रिवीजन। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 चैप्टर जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों के वीडियो लेक्चर क्लास की लिंक एंड वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं अभी भी। जो बच्चे किसी कारणवश अभी वीडियो नहीं देख पाए थे, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, वो लोग रिवीजन स्टार्ट कर दें आप लोग, ठीक है। वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन दी चैनल। आप सबको मैम ने सिखाया है कि पुरानी वीडियो तक कैसे पहुँचना है, कैसे पुरानी वीडियो को सर्च करते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब आपको मैम ने सिखाया हुआ है। एंड एक बार फिर से बता देते हैं, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इतने हिस्से में आपका क्या चल रहा है, वीडियो क्लास चल रही है। यहाँ पे वी शेप साइन है, उसमें जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें मैम ने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के वीडियो लिंक्स ऐड कर दिए हैं। वहाँ पे आपको तीनों चैप्टर के वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भी चैप्टर देखना है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट देखना है या आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखना है या वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 3 का भी मिल जाएगा। तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप लोग को फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे शायद स्टार्टिंग से ज्वाइन हैं, मुझे पता है, वो कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैम उनको नोटिस कर रही हैं, आई नो कि उन बच्चों के फुल मार्क्स आने वाले हैं फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में, बिकॉज वो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम अपना वर्क कम्प्लीट कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो रिविज़न तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन कितने होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, टोटल क्वेश्चन 40 होंगे। क्वेश्चन किस बेस पे होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, 40 होंगे। और कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम है आपका, 50। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है ये आपका, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो आप लोग रिविज़न स्टार्ट कर दीजिए और आप सभी के 50 आउट ऑफ 50 ही आने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैम आपको इतना एक्सप्लेन करके पढ़ाती है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 वीडियोस आर अवेलेबल इन योर साइंस चैनल। आप सबको मैम ने सिखाया हुआ है कैसे पुराने साइंस चैनल को ओपन करते हैं आप लोग, और कैसे जाके अपने वीडियो सेक्शन में पुराने वीडियोस को देखते हैं, ये सब मैम ने आपको पुरानी वीडियो में सिखाया हुआ है। नाउ वापस आते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक है क्या है हमारा आज का, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसका करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। डू दिस वर्क इन योर कॉपी। तो डू दिस वर्क इन योर कॉपी, आप लोग अपनी कॉपी में इस काम को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, स्टार्ट रिवीजन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट रिवीजन एंड वॉच योर वीडियो लेक्चर क्लास इन यूट्यूब, ठीक है। तो सारे के सारे वीडियोस मैम ने अभी डिलीट नहीं किया, अभी तक सिक्स क्लास के बच्चों को मैम ने जितना भी पढ़ाया है सब कुछ चैनल पे एडेड है, वीडियो सारी एक्सरसाइज सॉल्यूशन से लेके एक्सप्लेनेशन तक के। तो जो बच्चे नहीं देख पाए थे या न्यू एडमिशन है, इस टाइम न्यू एडमिशन भी हो रहा है बच्चों का, तो आप सब क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे चैनल पे। नाउ हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसे आप कहाँ पे करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे कंप्लीट,
ठीक है, तो अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए आप लोग और साथ साथ में इसको लिखते जाइए और समझते जाइए। क्या है? इन आर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सो मैनी सब्सटेंस दैट नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर सब्सटेंस इन अ मिक्सचर। तो आप सबको पता है कि हम लोग डेली बेसिस में अपनी डेली लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करते हैं, कोई ना कोई सब्सटेंस को अलग करते हैं एक दूसरे से, तभी तो हमारा वर्क हो पाता है। लाइक खाना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, पेरेंट्स को देखा होगा, जब वो चावल बनाने जाते हैं तो चावल को पहले क्लीन करते हैं, तो उसमें से कंकर पत्थर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। दाल बनाने जाते हैं तो सेपरेट करते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे आटा सानने जाएंगे, अगर आप रोटियां बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, आप रोटियां बनाने के लिए आटे को चालेंगे, आटे से क्या करते हैं, छलनी से चालते हैं ना, चोकर को अलग करके क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तब जाके हमारी रोटी तैयार होती है। तो हम अपने जो डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्सटेंस को, बहुत सारे मटेरियल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं फॉर द बेटर यूज़। आगे क्या दिया है एग्जाम्पल में, इन आर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सो मैनी सब्सटेंस दैट नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर सब्सटेंस इन अ मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स, ठीक है, आप चावल से क्या करते हैं, दालों से क्या करते हैं, अगर आपको दाल चावल बनाना है तो क्या करेंगे, आप उसका स्टोन सेपरेट करेंगे, अगर आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी का छिलका हटाएंगे, ठीक है, तो छिलके को सेपरेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, तो आपको गेहूं अगर बनाना है, रोटियां बनानी है, तो पहले गेहूं तैयार किया जाता है, उसमें जो छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं उनको अलग किया जाता है बिफोर कुकिंग। तो कुकिंग के पहले क्या किया किया जाता है, सब्जियां जो होती हैं उसमें से उसके छिलके सेपरेट किए जाते हैं। दाल आप बनाने जाएंगे तो दाल में से स्टोन निकालेंगे, चावल में से स्टोन निकालेंगे। तो ऐसे करके हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैम ने समझाने के लिए आपको वीडियो बनाया है पैराग्राफ, ठीक है, तो राइट डाउन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इन योर कॉपी। तो आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ में क्या करिए, लिखते जाइए, कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, कॉपी निकालिए, टेक आउट योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। आगे क्या है, देयर आर वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दी अदर सब्सटेंस। तो हमारे जो लाइफ है ना, और जो हमारा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को बड़े हाई लेवल पे सेपरेट करते हैं। लाइक आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ही लार्ज लेवल पे मशीनों का यूज़ किया जाता है सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आप सब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक नमकीन का पैकेट बनता है वो बहुत सारे मटेरियल को मिला करके बनता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, अलग अलग मटेरियल को अलग अलग कंटेनर में रख दिया जाता है, फिर उसको जितने अमाउंट में चाहिए नमकीन बनाने के लिए, सॉल्ट, मसाले और अदर जितनी उसमें पपड़ी होती है, मूंगफली होती है, कुछ नमकीन्स में ड्राई फ्रूट्स एडेड होते हैं, तो वो एक साथ एक बर्नर में इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोसीजर होती है जिसमें हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं और मिक्स करते हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा ये सारे वर्क होते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है, धान पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिससे क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो आप लोग रेडी हो जाइए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नए नए पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे हम लोग कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है। लाइक आज के टाइम पे जो फ्रूट जूस है वो भी पैक्ड वे में आने लग गया है, तो पैक्ड वे में फ्रूट जूस का हम मटेरियल कैसे, वेस्ट मटेरियल्स को निकाल कर उसको पैकेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे।
सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप लोग ये वाले पार्ट को, इंट्रोडक्शन के पार्ट को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन अ गुड राइटिंग लिखेंगे, और स्पेलिंग तो आप लोग की सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो लोग आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यस मैम आई राइट दिस पार्ट इन माई कॉपी। थैंक यू।